तोरा साथ खन्ना का बेटी का चोदो जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोद। और कैसी चल रही है तुम्हारी? तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टीवी सीरियल्स के बारे में जिन्होंने लॉजिक्स फिजिक्स दोनों की गांड मार रखी, वो भी बिना तेल के। वो टीवी सीरियल जिसे हर घर में देखा जाता है और हर रोज देखा जाता है, वही टीवी सीरियल जिसको तुम्हारी घर की महिलाएं बड़े ही प्यार से देखती हैं, और जब तुम उस चैनल को चेंज करने की कोशिश करो तो तुम्हारी गांड मार देने की धमकी भी तुम्हें सुनने को मिल जाती है। तो आओ यार देखते हैं ऐसी कुछ चूतिया टीवी सीरियल्स। तो बिना टाइम की गांड मारे हुए शुरू करते हैं वीडियो बिना आंख में हारपिक डाले। सर उनको प्लीज कहिए कि अपना चॉपर लैंड ना करवाएं, क्रैश हो सकता है। अबे साले अबे तुम लोग इतनी बकचोदी करते हो वो सब तो ठीक है, लेकिन एडिटिंग तो ढंग की करवा लिया करो। साला ऐसा लग रहा है कि किसी ने साइबर कैफे पर जाकर 3 रुपए पर डे के हिसाब से एडिटिंग करी है। और तो और बहनचोद हेलीकॉप्टर लैंड होते ही ब्लास्ट भी हो गया। बात तो सही है नहीं ये क्यों और कैसे हुआ ये बताओ तुम पहले। और इतना गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रहे हो? हेलीकॉप्टर फटा है, मोहित की गांड नहीं फटी है, बस उसके चिथड़े चिथड़े हुए होंगे। गांड मिलेगी आपके पास क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। मतलब हेलीकॉप्टर के चीथड़े चीथड़े हो गए लेकिन मोहित को एक खरोच भी नहीं लगी, ना इसके सर से एक बाल भी इधर से उधर हुआ, ना इसके कपड़े खराब हुए। अबे क्या हो तुम, कौन हो तुम? सुपरमैन हो या फिर शक्तिमान या फिर जादूगर हो, क्योंकि इन तीनों के अलावा ये स्टंट कोई कर ही नहीं सकता। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था क्या? तेरी माँ गई थी जादूगर के पास? और तो और बहनचोद ये क्या है, आग हटा रहे हो या फिर मकड़ी के जाले हटा रहे हो? अबे साले आग है वो, थोड़ा सा भी टच हो जाएगा तो गांड और झांड दोनों जल के भस्म हो जाएंगे। बस बहनचोद बस यही देखना बाकी था। लौंडा तो बकचोदी कर ही रहा था लेकिन लड़की भी कम नहीं है भैया, बकचोदी में लौंडे के साथ कदम से कदम मिला रही है। अबे भोला मुनक्का खाकर इस सीन को बनाए हो क्या कि कुछ भी बकचोदी किए जा रहे हो? और बहनचोद हेलीकॉप्टर की माँ चुदी पर ही है। लेकिन भाई साहब इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें तो रैंप वॉक करना है, पोज देना है और बकचोदी करनी है। हेलीकॉप्टर तो दूसरा भी आ जाएगा, ये इतने रईस जो है। और बहनचोद मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग अपने टाइटल इतने रईसों वाले क्यों रख लेते हैं, सिंघानिया मल्होत्रा मोदी खुराना। अबे हेलो कभी मिडिल क्लास पर भी आ जाया करो, कभी अपना टाइटल पटेल रख लिया करो, गुप्ता रख लिया करो, मौर्य रख लिया करो, लेकिन नहीं इनमें रईसी कहाँ दिखेगी बहन। और तो और इनके सोच के नाम भी इतने चटक चूतिया वाले होते हैं कि क्या ही बोलूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे बहनचोद हमें क्या पता कि तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है, 12-13 साल तुम्हारे शो को चलते हुए हो गया लेकिन अभी तक तुम्हें ही नहीं पता चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हमें क्या लौड़ा पता होगा? ससुराल सिमर का नहीं, सिमर का ही ससुराल क्यों, सूरज का भी तो ससुराल हो सकता है, ससुराल सूरज का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चलो ठीक है कि मान लिया कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन बाप का क्या, बाप भी तो कभी बेटा था, उस पर तो सोना ही बनाओगे, नहीं तो सास बहू वाली बकचोद और रंडी रोना कहाँ से दिखाओगे? इसी चीज पर तो तुम्हारा सोच चलता है। सास बहू की जान लेने पर तुली होती है, बहू सास की जान लेने पर तुली होती है, लड़की अपने ऑफिस के बॉस को सेट करने की कोशिश में लगी रहती है, बेटा पड़ोस के कुत्ते के साथ सेक्स करना चाहता है, कुछ भी। बहनचोद ये लोग कुछ भी बकचोदी कर गुजरने में पीछे नहीं हटते, जितना ज्यादा टट्टी सो उतने ज्यादा ऑडियंस। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूं। अड़वी जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। नहीं मतलब ये निब्बा निब्बी चांद को उसकी औकात दिखा दे दिखाते अब चांद को ही जमीन पर लाने की बात कर रहे हैं। चांद का टुकड़ा मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? नहीं दीदी चांद की बात नहीं हो रही है, बाजार से कद्दू खरीद के लाने की बात हो रही है, जाओगी लाने? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे भाई मेरा शौहर बनने के लायक है। नहीं दीदी तुम कौन हो, तुम हो कौन जो ऐसी डिमांड कर रही हो लौंडों से? अरे दीदी लौंडे हैं वो, राम रहीम की गांड से निकले हुए कीड़े नहीं है जो कुछ भी कर सकते हैं।
सॉरी कर। नहीं पहले ये बताओ तुम कि ये वंडर वुमन की रस्सी तुम्हें कहाँ से मिल गई? जादू देने आया था या फिर तुम खुद गए थे वंडर वुमन के घर से चुराने के लिए? भोसरिया वाले भैया वो जान दे तुम्हारे खेत में फंसा हुआ ट्रैक्टर नहीं है जो पूरा परिवार मिलकर उसे खींच लोगे। अमन कार में जाएगा। अबे अमन चूतिया, चांद तोड़ने के लिए आसमान में जाना है, चांद पर गेड़ी नहीं मारनी है जो काल लेकर जाएगा वहाँ पर। रॉकेट से चांद पर जाने वाले तो चूतिया है ना। हम सब तो लड़ने बहन चोत। अबे साले ये क्या हो गया? चला जा भोसड़ी के। मियां खलीफा हो। बहनचोद चांद तोड़ दिया? असंभव असंभव बहनचोद असंभव। चांद का टुकड़ा मैं ढाया। आपको चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? मां चूक गई। इन्होंने तो गजब ही बकचोदी कर रखी है भाई। इनकी बकचोदी देखने के बाद लॉजिक्स फिजिक्स नासा और इसरो सभी ने जहर खाकर खुद को फांसी लगाकर गले की नस काटकर सातवीं मंजिल से बीच सड़क पर छलांग लगा दी होगी। कोई सेंस है इस बात की? नहीं है भैया, ये सब देखने के बाद सब मर गए हैं। सेंस की माँ की चूत, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस यार, इससे ज्यादा बकचोदी ना मैं देख सकता हूँ ना ही तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा दो। अब मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे बाजार से 2 किलो चांद खरीद कर लाना है। बाय।